अंगुली भी जैसे टच होता है कट से काट के और पूरा जलन देने लगता है अंगुली ना। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रमेश राज ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। सो दोस्तों, अभी बच्चों का मम्मी चल गई है खेत काम करने के लिए और हमको बोल रखी है कि बाजार है आज है, तो बाजार से कुछ सामान ले आने के लिए। तभी हम बाजार जा रहे हैं हम लोग। हाँ, घर पर ही रहना। हाँ हाँ, घर खुला है उसमें कुत्ता उत्ता घुस जाएगा, और संध्या को खिलाते रहना। हाँ ठीक है, जाते हैं। हाँ चलते हैं दोस्तों। और ये देखिए शाम शाम का नज़ारा, गांव का नज़ारा काफ़ी प्यारा। इधर फूल खिला हुआ है मस्त एकदम, क्या फूल है पता नहीं लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। और हम लोग का यहाँ देहात का बाज़ार पूरा शाम शाम को ही लगता है। चलते हैं, अभी आनंद भतीज भी जाने वाले हैं, उनके साथ में जा रहे हैं अभी। और भतीज यहाँ पे वीडियो अभी एडिट करने में लगे हुए हैं। हाँ, थंबनेल बन गया अभी। चलिए ठीक है, मेरा एक काम है। हाँ, सबका यही काम है अभी, जितने अपना घर घर का भी काम देखना है, ये सब भी देखना है। तो चलिए तैयार हो जाइए, फटाफट चलेंगे साथ में। हाँ तो हम लोग बाजार की ओर निकल पड़े। देखिए मस्त, इधर मकई पहले वाला मकई अब पक गया, इस तरह से लाल लाल पूरा हो गया। और ये देखिए ये वाला हम लोग का पूर्वजों का मड़ी है, बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़। कुछ दिन में पूजा, कुछ दिनों के बाद में हम लोग का यहाँ पूजा पाठ होता है, जो कि आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। हम लोग कुछ ही देर के बाद में पहुंच जाएंगे बाजार। अब हम लोग बाजार पहुंच गए और ये देखिए बाजार का नज़ारा, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, भीड़ अभी होती है। उतना ज़्यादा नहीं है, इसे और भी ज़्यादा होगा अभी, थोड़ा शाम शाम को और लगता है। तो इधर कुछ सब्जी काटने वाला देखिए प्रचार में आए हुए हैं ना। लेना नहीं लेना है, ये देखिए, ये देखिए सब्जी काटने वाला। इसी तरीका से ये भिंडी को काटे थे, एक सौ एक लेबल एक साथ एक। चलिए 100 कीमत बता रहे हैं, आइडिया कम रहेगा, नहीं लेंगे। चलिए हम लोग का बैठे ही अच्छा, लेकिन कमलनाथ आपके घर में देखा पाँच रुपए बेच दिए मकई को। चलिए अच्छा। और ये देखिए पूरा सब्जी अभी चढ़ा हुआ है, पूरा सब्जी सब्जी पूरा इधर भी है और इधर भी है। चलिए घूमते हैं एक बार। हाँ हाँ, हम लोग पूरा बाजार घूम लिए और अब खरीद लेते हैं। यहाँ से मिर्चा खरीद ले रहे हैं, लीजिए बताइए, पकड़िए। एक पाव कितने? हाँ एक पाव है। चलिए टमाटर भी वजन कर दिए, लीजिए लीजिए स्टाफ ने। मिर्चा और टमाटर खरीद लिए और आलू भी खरीद लेते हैं। लीजिए आलू 2 केजी, 2 केजी आलू। तो यहाँ पे गर्दा हो जाएगा इसलिए प्लास्टिक में दे दे रहे हैं। 2 किलो हमारा पूरा डाल दीजिए। भतीज भी खरीद लिए और मेरा भी हो गया, दोनों आदमी का। ये देखिए पूरा एक झोली भर गया। चलिए चलिए हो गया। हाँ इधर है मछली बाजार, बहुत ही बड़ा मछली बाजार है, बड़ा वाला मछली। हाँ बहुत बड़ा मछली है, वो वाला बड़ा है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा काम में लेट हो गया और भतीज इधर आ गए। हाँ चलिए जल्दी, रात हो गई। ये देखिए रात हो रहा है, मतलब भाई रात नहीं हुआ है, पूरा शाम हो गया, लेकिन अंधेरा हो जाएगा जाते जाते। चलिए चलिए। और ये सब गाड़ी प्लांट में जाता है, जो आप लोगों को प्लांट दिखाते हैं वहीं पे जाता है। और इधर से देखिए बस्ती का नज़ारा, काफी बड़ा बस्ती है। ये देखिए बकरियां भी उतरने लगे,
पूरा बिजी हो जाता है शाम को ये रोड, बैल बकरी। हम लोग घर पहुंच गए और भतीज का सामान है तो यहाँ पे निकाल दे रखेंगे इनका वाला। और सूरज आ गया है, इधर ही खेलते रहता है ना बच्चों के साथ में। ये दीपांजलि, क्या नाम है? तो चलते हैं हम। चलो सूरज ले जाने सकेगा, वजन है। लो यहाँ पे रखते हैं, अभी पूरा सन्नाटा है। संदेह मम्मी खेत से नहीं आई लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर है, इस साबुन और ये वाला आलू और मिर्चा और एक तो ब्रेड लाए। अभी पकाएं। हाँ, तो जो भी लाए थे दोस्तों आप लोग को दिखा दिए। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों दवा छिड़काव करने खेतों में। और इधर का नज़ारा देखिए, इस तरह से पूरा मस्त नज़ारा, हरा भरा। आजकल जिधर जाए उधर एकदम पूरा खेत का हरियाली मस्त देखने को मिलता है। चलते हैं, वो पहाड़ के किनारे एक छोटा सा खेत है, वहीं पे दवा छिड़काव करेंगे। ये देखिए सुबह ही बैलों को ला के इधर खोद दिए हैं, मस्त हरा हरा घास खा रहे हैं अभी। और इधर देखिए तिल का खेती मस्त फुला हुआ है एकदम। खेत पहुँच गए और ये देखिए कैसा, मतलब खा के पूरा ठेठगा कर दिए, पूरा ये सब सफ़ेद सफ़ेद हो गया। ये अब पानी भर लेते हैं, ये लाए हुए पानी भरने के लिए। पानी भर लिए और दवा भी डाल दिए। चलिए इसको मिलाते हैं। छोटा खेत है तो हाफ, यानी हाफ इसमें भरे हैं इतना सा। चलते हैं अब छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के समय दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कमरा करने वाला कोई नहीं है। तब एक ही बार छिड़काव करने के बाद फिर मिलते हैं। दवा को छिड़काव कर लिए और सभी सामान को समेट भी लिए, तो चलेंगे घर दोस्तों। और ये गड्ढा से भी बहुत ही ज़्यादा झरना निकला हुआ है, क्योंकि इधर पानी पूरा भरा हुआ है खेतों में। देखिए ज़्यादा बारिश होने के बाद में सभी जगह 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 में झरना निकलना चालू हो जाता है। चलते हैं अब दोस्तों। इधर पहाड़ के किनारे किनारे जाएंगे, आगे जाके रोड मिलेगा। यहाँ पे एक सुंदर सा पेड़, मस्त छायादार एकदम आम का पेड़ है, पूरा मस्त छाया है। देखिए यहाँ पे और चारों तरफ एकदम गोलाकार से फैला हुआ है डाली। चलिए आगे देखिए, वहाँ पे जो पेड़ है वहीं पे रोड है। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ लेते हैं। और आजकल चोरचोटा का कमी नहीं है, जिधर से जाओ चोरचोटा लेके आना है। देखिए तुरंत लग जाता है पूरा, ये सब गड़ने लगता है। चलिए ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करते हैं, तो दूसरा भी काम करना होगा, मुकान अभी नहीं धोए हैं। सो दोस्तों धो धा के आए और खाना पीना भी खा लिए और चलते हैं दोस्तों फिर खेतों की तरफ। और इधर देखिए धान, ये देखिए घास निकाल रहे हैं। और पूरा तेज धूप निकल आया है आज, एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए पहाड़ का झरना से ये खेत भरा हुआ है पूरा, और इधर बाहर भी जा रहा है। ये साल में सभी में धान होता है ये साल। और ये रहा एक छोटा सा तालाब, हम लोग यहीं पे मूर्ति विसर्जन किए थे माँ सरस्वती का। देखिए और ये रहा हम लोग का खेत पहाड़ के किनारे, और माँ भी यहाँ पे निकाल रही।
और यहीं से उखाड़ उखाड़ के रखे हुए हैं, इस सब हमको निकालना हो। ये बहुत सारा तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। घास को निकाल लिए और कहीं कहीं एक दो जगह बचा हुआ है उस सब को भी निकाल देंगे। और इधर देखिए दोस्तों, झरना इधर से कैसा एकदम फ्रेश पानी निकला हुआ है, गुद 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 गुद। और इतना बाढ़ आया था कि चारों तरफ पूरा एकदम मिट्टी को धो दिया है। बहुत ही ज़्यादा घास हो गया। पूरा बड़ा बड़ा हो गया एकदम। पूरा घास को फेंक दिए और इधर जो नहीं उखाड़े हुए हैं इधर अब उखाड़ते हैं, तभी कोई उखाड़ रहे हैं। पूरा बड़ा बड़ा हो गया है धान, लेकिन घास भी है बहुत ज़्यादा। देखिए सब इस तरह से उखाड़ देने से फ्रेश हो जाता है। इधर उखाड़ा हुआ है तो कितना फ्रेश लग रहा है। चलिए फेंक देते हैं। इसी तरह पूरा खेत को उखाड़ना पड़ेगा, घास को निकालना पड़ेगा, तब जाके फ्रेश होगा। बहुत ही ज़्यादा घास हो गया। और वो उस साइड से माँ उखाड़ रही, इधर संध्या की मम्मी और इधर भाभी हैं और इधर हम चार आदमी लगे हुए हैं। ये खेत में दोस्तों ज़्यादा पानी है तो अंगूर काटा भी मिलते हैं, बहुत अजूबा चीज़ है वो। अंगुली भी जैसे टच होता है कट से न काट के और पूरा जलन देने लगता है अंगूली ना। तुरंत भाग जाता है, डर भी लगता है। बड़ा बड़ा घास है, बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है सुबह से। ये सब सुबह से है और हम तो घास फेंकने आए, उसके बाद फेंकने के बाद ये सब कर रहे हैं। तो अभी एक तो मिला था। और उधर नीचे वाला खेत में भी था, इतना कर रहे हैं, इतना घास है कि नहीं छोड़ना सकेगा। अब जा रहा हूँ। बड़ा बड़ा घास है ना, घास के अंदर छुपा रहता है उसको। हाँ, लेकिन नुकसान नहीं होता है कुछ, सिर्फ काट के और भाग जाता है। इसीलिए इससे पूरा घास को निकालने का जो हिम्मत कर रहे हैं, और नहीं कुछ हो जाता तो नहीं नहीं कर पाते। नहीं, नहीं काटता है मगर कुछ नहीं होता है, सिर्फ डर लगता है फिर मिलेगा क्या इस तरह से। हाँ, सिर्फ दर्द होता है। और माँ भी देखिए बहुत ही मेहनत कर रही है। अभी इनका उम्र कैसा है लोगो है, 90 साल बता रही है। और वोटर आईडी और आधार कार्ड देखेंगे तो आप लोग को पूरा ठीक से बताएंगे। अभी अंदाज से बोल रही है 90 साल। फिर भी काम कर रही खेतों में। इसको बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है, आप लोग को पहले भी बता दिया। अपने मन से आते हैं और काम में लगती है धीरे धीरे कर। चलिए एक ही बार इधर रख लेते हैं, बाद में फेंकेंगे। दोस्तों अब इतना सा बच रहा है और उखाड़ उखाड़ के देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है। और अभी लंच का समय हो गया है तो आप लोग अब लंच करेंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।